उस आरसीसी रोड को आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। आप सोचिए कि अगर जीरो ग्राउंड पे अभी तक सचिव आए ही नहीं और ये रोड बनके तैयार हो गया, और सचिव से जब हमारी फोन पे बात हुई तो सुन लीजिए सचिव ने क्या कहा। आरसीसी का रोड बना हुआ था जी, इसको आपने विजिट किया है? अभी नहीं, अभी नहीं किया। इसका अभी नीचे कितना मतलब माल कितना इंची चाहिए? अब रोड़ा इंटर रोड़ा जो पड़ा हो, ये तुम जो मेजरमेंट होगा तो पता चलेगा। ये नहीं पता कि जहां पे बजट पास हुआ है उस जगह का मानक क्या है, उस रास्ते का कितना बजट होना चाहिए, उस रास्ते पे कितनी मटेरियल की क्षमता होनी चाहिए और कितनी मात्रा बनी है। अभी दो चार दिन हो गए, दो चार दिन हो गया बस, दो चार दिन में ये हालत है इसकी। वहाँ जाके देखो साहब, वहाँ जाके देखिए। क्या नाम है आपका? अरे सर नाम क्या करोगे, इसी गांव की रहने वाली है? मतलब है इसी गांव की ना? घर ये कितना दिन हो गया बने हुए? चार दिन हुआ है। चार दिन, चार दिन में ये हालत हो गया? ये हालत है। तो आप लोगों ने बोला नहीं प्रधान को कि काहे ऐसे बनवा रहे हैं? अगर लाखों रुपए सिर्फ इस रोड के पास हुए हैं और ये गिट्टियां यूं ही अगर उखड़ रही हैं रास्ते की, तो आप सोचिए ये मोरंग और ये गिट्टी अगर ऐसे ही उखड़ रही है, आप सोचिए कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल डला होगा। प्रधान लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, RNTV। अभी हम खड़े हैं, ये चनईपुर ग्राम सभा है, गौर ब्लॉक में पड़ता है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट के। अब आप सोचिए ये चनईपुर का दुबौली एक राजस्व ग्राम है, हम वहाँ पे खड़े हैं और ये रोड जो आप देख रहे हैं हमारे आस पास में जाते हुए, ये चला जाएगा कप्तानगंज और ये कप्तानगंज से आप बस्ती इस रोड से जा सकते हैं। इसी ग्राम सभा में एक RCC रोड पास हुआ है और उस RCC रोड को आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। आप सोचिए कि अगर जीरो ग्राउंड पे अभी तक सचिव आए ही नहीं और ये रोड बनके तैयार हो गया, और सचिव से जब हमारी फोन पे बात हुई तो सुन लीजिए सचिव ने क्या कहा। हेलो सचिव महोदय जी, ये आपका चनईपुर आपका ग्राम सभा है? हाँ बताइए। अभी मैं यहीं पे खड़ा था ग्राउंड पे ही, एक RCC का रोड बना हुआ था जी, इसको आपने विजिट किया है? अभी नहीं, अभी नहीं किया। इसका अभी पैसा पास तो नहीं हुआ ना? अभी नहीं। तो प्रधान को बोल दीजिए इसको थोड़ा सा, या तो कब तक आएंगे इसको आप देखने? कल या परसों में आएंगे? कल परसों में। तो इसका चूंकि अभी हमने रिपोर्टिंग किया है जी, तो पहली बात तो इसमें जो मटेरियल रखना था वो नहीं लगा, नीचे से पन्नी डाल के के ऊपर से माल रखा गया है। पन्नी तो सब में पड़ता है सर, पन्नी पड़ता है, उसके नीचे कितना मतलब माल कितना इंची चाहिए? अब रोड़ा इंटर रोड़ा जो पड़ा हो, ये तुम जो मेजरमेंट होगा तो पता चलेगा उसका। मतलब आपको ये भी कंफर्म नहीं है कि RCC रोड कितने का बनेगा? अरे ये जब वो कागज देखेंगे, हर जगह साइट के हिसाब से बनता है ना। अच्छा अच्छा, अलग अलग इसका मानक है? हाँ। तो यहाँ का क्या मानक था, आप अभी कंफर्म नहीं है? अभी हम देखे नहीं है, देखेंगे तो बताएंगे। अच्छा, मतलब इसके बारे में भी आपको कंफर्म नहीं है अभी? हाँ नहीं नहीं, चलिए यहाँ पे देख भी ले। अभी मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग से निकलता हूँ तो बात करता हूँ उनसे। ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर सचिव की ये हालात है कि सचिव को ये नहीं पता कि जहाँ पे बजट पास हुआ है उस जगह का मानक क्या है, उस रास्ते का कितना बजट होना चाहिए, उस रास्ते पे कितनी मटेरियल की क्षमता होनी चाहिए और कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये महोदय सचिव को नहीं पता है। उनको ये जरूर पता है कि हर जगह अलग अलग ब्राइटी का उनको RCC बनवाना है। अब फिलहाल यहाँ की ब्राइटी उनको नहीं पता है कि यहाँ पे कितना मटेरियल लगना है, कितने मात्रा में क्या क्या चीज लगना है। क्योंकि आप जहाँ खड़े हैं अगर आप इसको RCC कहेंगे तो अपने आप में आपको शर्म आ जाएगा, क्योंकि आगे चल के कैमरामैन साहब दिखाइएगा और वहां पे चल के आप पहले तो यही देख लीजिए। ये इसी गांव के रहने वाले हो क्या? क्या नाम है आपका? देवानंद। देवानंद, ये RCC बाबू कब बनी है? अभी दो चार दिन हो गए। दो चार दिन हो गए बस, दो चार दिन में ये हालत है इसकी। वहाँ जाके देखो साहब, वहाँ जाके देखिए। क्या नाम है आपका?
अरे सर नाम क्या करोगे? इसी गांव की रहने वाली है? मतलब है इसी गांव की ना? ये कितना दिन हो गया बने हुए? चार दिन हुआ है। चार दिन, चार दिन में ये हालत हो गया? तो आप लोगों ने बोला नहीं प्रधान को कि काहे ऐसे बनवा रहे हैं? प्रधान को मूड गरम था, प्रधान बोले कि हमारा सर दर्द हो रहा है, रात को बनाए है। रात को बनवा दिए? रात को बनवा दिए, बारिश के टाइम में, लगभग दो घंटे में। दो घंटे में बनवा दिए? क्या नाम है बेटा? राजकुमार। राजकुमार, ये आपके सामने बना? हाँ। किस चीज से बन रहा था ये? गिट्टी था, मोरंग बालू। हाँ। बालू भी था? बालू तो दिख रहा है आंटी, नीचे दिख रहा है बालू? नीचे बालू, नीचे बालू, 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 बालू लगा हुआ मात्रा में, काफी मात्रा में लगा हुआ। अभी उसको भी दिखाते हैं। नीचे, नीचे बालू से लेबर नहीं कहे ना, बालू से कहे तो कहीं ऊंचा नीचा नहीं होता थोड़ा। अच्छा, तो और किस और मशीन कौन कौन सी थी? वो मिक्सर का मसाला मिक्स करने वाला, छत लगता है, जो छत लगता है, जो छत लगता है, वो वाली मशीन थी। कितनी मशीन थी? एक, एक ही मशीन थी। हाँ। और कितने लोग काम कर रहे थे? लगभग से 15, 10-15 लोग काम कर रहे थे इसमें। हाँ, बस कि और ज्यादा लोग थे? बस, बस 15, 10-15 लोग थे। और कितने देर में ये बन के तैयार हो गया था? लगभग से 2-3 घंटा। बस 2-3 घंटे। कितने बजे से कितने बजे तक? लगभग से रात को 5 बजे से वही 7:30-8 बजे। मतलब शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक ये बन के तैयार हो गया। फिर बारिश भी हुई क्या? बारिश बीच में वहाँ हुई थी, बारिश, बारिश भी हुई। रुके थे, फिर कुछ देर बाद फिर बनाने शुरू किए। अच्छा, अब आप सोचिए, ये बच्चे हैं, कम से कम ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। और आप ये देखिए, पहले इस मटेरियल को आप देखिए, ये चार दिन हो गया है बने हुए, और आप देखिए कि ये मटेरियल है आरसीसी का। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पे इस तरीके का आरसीसी रोड बनेगा जो हाथ से उखड़ रहा है, तो आप सोचिए, ये है आरसीसी इनका और इस रोड की आरसीसी है। अब आप सोचिए जरा कि जिस प्रकार से यहाँ पे हाथों से आरसीसी उखाड़ी जा रही है चार दिन बाद, आप सोचिए कि अगर एक दिन कुछ घंटे अगर आरसीसी को मिल जाए, अगर वो आरसीसी वाकई में है, अब आप सोचिए कि यहाँ किसी जगह से अगर आप एक साइड से आरसीसी को अगर आप उखाड़ना चाहें तो शायद आरसीसी उखड़ भी जाए। ये आप देख सकते हैं, एक एक चीज अगर आप यहाँ से देखिए तो उखड़ सकती है। लेकिन आप सोचिए कि ग्राम सभा में इस प्रकार का भ्रष्टाचार अगर प्रधानों द्वारा हो रहा है, और ग्राउंड जीरो पे आप सोचिए कि ना तो यहाँ पे सेक्रेटरी महोदय आ सकते हैं, और जैसा कि बता रही थी अभी एक महिला कि प्रधान जी का सर दर्द कर रहा था, उस सर दर्द में वो ये तक नहीं बता पा रहे थे कि वो सही काम करवा रहे हैं या गलत। अभी आरसीसी का एक गिट्टी, कुछ गिट्टी यहाँ पे रखी हुई है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी बारिश, आज की डेट में बारिश हुई है बेटा यहाँ पे? आज की डेट में बारिश हुई है। कितने बजे तक? बस वही 11 से 12 बजे के, इधर एक से 2 बजे के बीच में हुआ, 2 बजे के। अब आप सोचिए कि 2 बजे में, जैसे कि यहाँ के बच्चे बता रहे हैं कि 2 बजे बारिश हुई है, और पानी थोड़ा सा दिखाइएगा कैमरामैन साहब, अगर आरसीसी बनवाने का ग्राम सभा में ये हाल है कि आरसीसी की गिट्टियां आपको ऊपर दिख रही हो और पानी गिट्टी के ऊपर, रोड के ऊपर इस तरीके से जमा हो, तो आप बताइए उस रास्ते का क्या हाल होगा, या उस रास्ते को बनवाने का क्या मतलब निकला जब वहां पे ये गिट्टियां ऊपर ऐसे ही दिख रही हो और जबकि ये पानी रोड पे दिख रहा हो। आप सोचिए कि उस ग्राम सभा का, जिस ग्राम सभा का इस तरीके का प्रधान हो, जिस तरीके का सचिव हो, कि अभी उस सचिव को यही नहीं पता है कि कितने रुपए में ये बना हुआ है और कितनी यहाँ पे गिट्टी लगनी चाहिए, कितने यहाँ पे मात्रा में सामान लगना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर आप देख सकते हैं कि वो मेन रोड है, मेन रोड से अगर आप यहाँ आइए तो यहाँ तक, और फिर आप दिखा दीजिए ये टर्न है, वो वहां तक ये रोड बना हुआ है। अब इसमें बजट लाखों रुपए का पास हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर लाखों रुपए सिर्फ इस रोड के पास हुए हैं और ये गिट्टियां यूं ही अगर उखड़ रही हैं रास्ते की, तो आप सोचिए ये मोरंग और ये गिट्टी अगर ऐसे ही उखड़ रही है, आप सोचिए कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल डला होगा प्रधान के द्वारा। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। अब चूंकि ये चनईपुर के अभी प्रधान को मैं फोन लगा रहा हूँ ऑन कैमरा आप लोगों को, और जरूर आप लोग अगर वो फोन उठाए तो जरूर बात होगी। अब आप सोच लीजिए कि अगर इस टाइम में वो यहाँ पे आके इसका पूरा क्लेरिफाई दें कि क्या उनको प्रॉब्लम थी और किस लिए ऐसा हुआ। ये चनईपुर का नंबर है उनका, प्रधान का।
कॉल पर व्यस्त है। अब जैसा कि आप लोग सुन भी रहे होंगे कि वो अभी दूसरे कॉल पे व्यस्त है। अब चूंकि ऑन कैमरा है और ऑन कैमरा अगर उनसे बात हो पाती तो क्लियर हो जाता कि अभी प्रधान द्वारा किस मटेरियल का यहाँ उपयोग किया गया है और किस प्रकार से किया गया है, ये सारी जानकारी प्रधान से जरूर ली जाती। एक बार और लगाते हैं प्रधान को फोन, अगर वो फोन उठा लेते हैं और बात हो जाती है तो जरूर एक बार आप लोगों से बात होगी और ऑन कैमरा होगी। अब इनका नंबर लग रहा है, एक बार बात अगर हो पाए तो। जूम करके दिखा दीजिएगा कैमरामैन साहब, कम से कम प्रधान जी का नंबर लोगों को पता चल जाए। हेलो हेलो, प्रधान जी बोल रहे हैं चनईपुर? मैं अमरबड़ी मिश्रा बोल रहा हूँ रिपब्लिक न्यूज टीवी से। मैं आपसे ऑन कैमरा अभी बात कर रहा हूँ। आप एक आरसीसी रोड बनवाए हैं दुबौली में, आप ही का ग्राम सभा है, तो ये किस प्रकार से और कितना मटेरियल लगवाए हैं सर? अभी तो ये उखड़ रहा है सब और पानी भी भरा हुआ है इसके ऊपर, तो फिर आपके बनाने का क्या मतलब निकला जब रोड पे पानी भरा हुआ है सर? और जो मटेरियल यहाँ लगना चाहिए था क्या आपने लगाया वहाँ पे? मानक के अनुसार लगाए हैं। तो अभी ऑन कैमरा आप हैं, मैं चूंकि यहाँ पे न्यूज ही बना रहा था, मैं सोचा आप भी अपना क्लेरिफाई रख दें। तो अभी साइड पे अगर आ जाते तो ऑन कैमरा आपसे और भी बात हो जाती, यहाँ देख भी लेते साइड अगर आप देखे ना हो तो। यहाँ पे जब काम चल रहा था तो आप थे? जब यहाँ काम चल रहा था तो आप यहाँ पे थे? तो कितने लेबर लगे थे यहाँ पे सर? 15-16। अच्छा, और कितने मशीनें भी लगी थी? मशीन भी लगी थी। तो ये किस योजना से बनी हुई है प्रधान जी? मनरेगा से बना हुआ है, मशीन भी लगा हुआ है। कैसे बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं मनरेगा से बना हुआ है? जी भैया, हम आके मिलते हैं ना आपसे, क्या आप मुलाकात करिए, हम बताते हैं आपसे। हम तो भी ब्लॉक पे, हम मीटिंग में बैठे हैं। अच्छा, आप भी मीटिंग में हैं? सचिव भी मीटिंग में हैं? अच्छा, सब लोग आज मीटिंग में ही हैं। बीडीओ साहब भी हैं? हाँ, बीडीओ साहब भी हैं। चलिए तो फिर वहीं पे आके आज क्लेरिफाई करते हैं इस चीज का। कब तक मीटिंग चलेगी आप लोगों की भैया? देखिए अभी तो टाइम लगेगा, लंच हुआ अभी देखेंगे। अच्छा, अभी लंच हो रहा है। चलिए, खैर मेहनत तो आप लोग ज्यादा कर रहे हैं भाई साहब आजकल, सही कह रहे हैं। अब बताइए, 4:30 बज रहा है और अभी प्रधान जी बता रहे हैं कि लंच कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि बीडीओ साहब मीटिंग में है, सचिव महोदय मीटिंग में है, प्रधान जी मीटिंग में है। अब ये मीटिंग किस वजह से चल रही है वो भी अपने आप में एक काबिले तारीफ ही है कि सारे लोग मीटिंग में हैं, लंच 4:30 कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मेहनत कितनी कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से इस साइड पे मेहनत हुई है भ्रष्टाचार में, उसको नकारा नहीं जा सकता और इस भ्रष्टाचार का जवाब जरूर प्रधान से लेके सचिव और बीडीओ सबको देना चाहिए। और खास करके ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अपने आप में पूरे बस्ती डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़ा होना लाजमी है। फिलहाल आप लोगों का क्या विचार है कि ऐसे लोगों के ऊपर कौन सी कार्यवाही होनी चाहिए? जैसा भी है जरूर आप लोग लिख के बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।